इन दिनों बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। घमासान जदयू और बीजेपी के बीच। दरअसल ये पूरी लड़ाई खुद को मजबूत करने की बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं जेडीयू जो खुद को बिहार में बड़ा भाई मानती है, लेकिन संख्या के मामले में 43 सीटों पर सिमट गई। अब जेडीयू का एक ही मिशन है, खुद को मजबूत करना, यानी अपने संख्या बल को बढ़ाना। इसके लिए कोशिशें भी तेजी से हो रही है। एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार दो बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। बीएसपी के इकलौते विधायक और लोजपा के भी इकलौते विधायक ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, और इसके साथ ही ओवैसी के 5 विधायकों से भी मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। अब माना ये जा रहा है कि ये सभी जल्द ही जदयू में शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू में विधायकों की संख्या लगभग 51 हो जाएगी। इसके अलावा अब ताजा खबर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को लेकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुशवाहा की पार्टी का भी जेडीयू में लगभग विलय तय माना जा रहा है। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी अपरिहार्य हैं, और पिछले 15-16 वर्षों में राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। सभी दलों में उनको पसंद करने वाले और चाहने वाले लोग हैं। मिलने वाले दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग जन समस्याओं के लिए मानते हैं कि नीतीश कुमार जी बगैर पक्षपात के उनके इलाकों के साथ न्याय करेंगे। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के साथ बहुत लोग अपना भविष्य जोड़ना चाहते हैं, और निसंदेह लोकतंत्र में कहीं ना कहीं इस बात की आज़ादी है कि वो जिसके साथ जुड़ना चाहें, जो दल बदल कानून और इन तमाम तरह के जो प्रतिबंध हैं उनका सम्मान करते हुए, तो निसंदेह ये अप्रत्याशित नहीं होगा कि अनेक लोग आपके साथ समय समय पर जुड़ते चले जाएं। तो मुझे लगता है इसमें कोई अलग से किसी तरह के सियासत की गुंजाइश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी का विलय लगभग तय माना जा रहा है जदयू? देखिए, औपचारिक तौर पर इस पर कोई टिप्पणी करना अभी संभव नहीं है, लेकिन एक ही धारा की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते रहे, और अगर वो साथ आते हैं तो निसंदेह हम सबको खुशी होगी। बातचीत जो हुई है दोनों में, काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है, जैसा कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा है। हम उनकी बातों के आधार पर कहना चाहेंगे, चूंकि वशिष्ठ नारायण सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, अगर उन्होंने महसूस किया है कि कोई फैसला हो सकता है तो निसंदेह इस फैसले को माना जाना चाहिए कि निकट भविष्य में ये शेप ले सकता है।